I'm back. Ready? Ready? Two, one. Action. सिद्धू जी एक शायरी आप तोड़ तोड़ के बोलिए, रितेश आपको एग्जैक्ट कॉपी करेगा। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, मैं आप बीती करता हूँ गैरों की नहीं, आप बीती कहता हूँ, आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं। प्रेम इंसान को भगवान बना दे, प्रेम इंसान को भगवान बना दे। सिद्धू पाजी, मैं पहला एपिसोड कर रहा हूं और मेरी ये हालत है, तो कपिल को मेरी तरफ से रॉयल सैल्यूट। बहुत हो गया, बलि का बकरा बनाएंगे क्या? सिद्धू जी, हाँ जी, मैं इनको कब से समझा रहा हूँ, ये कपिल का शो है, मेरा शो नहीं है। मैं ये शो पे कॉमेडी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। अरे हमने यहाँ पर राजू से कॉमेडी करवा ली, फिर तो ये साजिद खान है। और दादी इधर झाड़ू पोछा नहीं करना, कॉमेडी करवानी है। तेरी शक्ल फर्श जैसी है, इसका मतलब ये नहीं है बार बार झाड़ू पोछे की बात करे, समझा? कॉमेडी की बात हो रही है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। हाँ, एक बात बता, क्यों नहीं कर सकता तू कॉमेडी? तुम लोगों की शक्लें देख के ऑटोमेटिकली मेरी कॉमेडी मर गई। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करो, दो ग्लास गर्म पानी के पी लो, दो हफ्ते रुकी चीजें इससे बाहर आ जाए तो फिर भी कॉमेडी। साजी सर प्लीज, जब तक मेरे साहब जी नहीं आते आप कॉमेडी कर रहे हो ना, और वैसे भी किसी अच्छे आदमी को साहब जी कहने का मौका भी मिल जाएगा, और आपका मुंह देखकर भी लगता है आप मुझे पगार दे दोगे। बेटा कॉमेडी करना कौन सा मुश्किल काम है, मैंने तो सारी जिंदगी कॉमेडी करी। अब माता जी बुरा मत मानिए, आपने जो किया था वो कॉमेडी नहीं थी, ट्रेजेडी थी, पॉपुलेशन बढ़ाई थी आपने। ये बड़े आदमी है, इनसे सिर्फ नौकर बात करेगा। साजिद सर इधर आइए, आपको मैं सिखाता हूँ कॉमेडी कैसे करते हैं। हाँ। तू बताएगा? हाँ? तू बताएगा कॉमेडी कैसे करते हैं? हाँ? अरे खुद से अपना नाम तक ठीक से बताया नहीं जाता, तू क्या खाक कॉमेडी करेगा? हाँ? सिद्धू जी पुलिस वाले से पूछते, बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कहते राजू। हाँ? पूरा नाम बता, राजू सब्जी चोर। अरे सिद्धू जी इसमें डरने की क्या बात है बताओ। हाँ? एक ही घंटा तो कॉमेडी करनी है। अरे घंटे दो घंटे की बात नहीं, मैं तो पूरा दिन यहाँ पे कॉमेडी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कपिल का शो है, मेरा शो नहीं है, प्लीज प्लीज। हम क्योंकि भूत रिक्वेस्ट नहीं मानते। और से देख बच्चे हैं। ओह माय गॉड, ये तो मेरी बहन फारा खान है। इसको तुम लोगों ने किडनैप किया कमीनों। और अगर तुमने यहाँ कॉमेडी नहीं की तो हम तुम्हारी बहन को क्या करोगे? मेरी बहन को? तुम्हारी बहन को हम छोड़ देंगे। मैं कॉमेडी करूंगा दुनिया को बचाने के लिए, इस मंच पे तो क्या, मैं किसी भी मंच पर कॉमेडी करने को तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार। ठीक है बेटा तुम यहाँ काम करो, हम यहाँ आराम करते हैं, रस्सा उठा लो। थैंक यू, रस्सी रस्सी संभाल के भाड़े की है। भाड़े की नहीं, वो फांसी की है। आप सिद्धू पाजी? हाँ जी।
आप ही देख लो इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती से मुझे खींच के यहाँ पे लाए। ये कपिल का शो है, मैं यहाँ पर सिर्फ गेस्ट होस्ट एंड दोस्त हूँ। तो एक बार प्लीज वेलकम योर गेस्ट होस्ट एंड दोस्त साजिद खान ऑन कॉमेडी नाइट विद कपिल। स्वागतम। थैंक यू। सिद्धू पाजी, आप दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हैं, लेकिन खुश नसीब होते होते आप दुनिया के बहुत बदनसीब इंसान भी हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कैसे? क्योंकि ये शो में 5 या 7 खूबसूरत बहुत टॉप की लड़कियां आती हैं, हाँ, जो आपके पीछे बैठती हैं। ये यार तुमने मेरी दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया। पता क्या, कपिल भी ना, कपिल देखता दुखता रहता है, उनको बिल मेरे पे फाड़ता है। यार ये मेरे को बड़ा, डोंट फियर, आई एम नियर। आपके लिए मैं एक गिफ्ट लाया हूं सर। क्या? ये सेल्फी मिरर। जब भी कैमरा आप पे ना हो, अपने आप को नहीं सर, पीछे लड़कियों को ताक लीजिए। अरे यार, इधर लाइव बना दी, ताकोमीटर। क्या बात है, क्या बात है। हाउ आर यू? फाइन फाइन। तो अब मैं यहां पर आ गया हूं दोस्तों। कोई भी सवाल पूछना है, ये पूछना है कि मैं यहां क्यों आया हूं, कैसे आया हूं, कब तक आया हूं, एनी क्वेश्चन अंडर द सन पूछिए, मैं यहाँ पे आपका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। हेलो, हेलो साजी सर। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आपका शुभ नाम? मेरा नाम बीना सिंह। बीना सिंह? बीना सिंह, हाँ जी। एस सी ई एन ई सीन, लाइक सीन? नहीं, एस आई एन जी एच। सिंह सिंह सिंह। अच्छा, सीन बोला आपने। सिंह सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। मेरे हस्बैंड सर जोर जोर से खराटे मारते हैं रात में। आप उनको ना जगा के फिर सो जाया करो। मीना जी, ये आपके हस्बैंड है तो बाजू में बैठे हैं? हाँ सर। अच्छा, जो जब सोते हैं जोर जोर से? नहीं नहीं, सोते हैं सर, सोते हैं तब जोर जोर से खराटे मारते हैं। जोर जोर से खराटे मारते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ पर सोते हैं? घर पे। अच्छा, हाँ नहीं नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम है कि आपके हस्बैंड सर सोते हैं तो जोर जोर से खराटे मारते हैं सर, इसके लिए मैं क्या करूं? वाह, इन्होंने तो मुझे डॉक्टर बना दिया। तो आप एक काम कीजिए, मैंने एक फिल्म बनाई थी 2 साल पहले, हिम्मत वाला, देखी थी आपने? नहीं ना? नहीं सर। आप वो फिल्म देखिए, आप भी खराटे मारेंगे। और कुछ पूछना इससे पहले मैं खराटे मार मार के मर जाऊं यार। बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ जी। हाय सिद्धू सर। हाय साजिद सर। मेरा नाम सागर है, मैं गुजरात से हूँ। मेरा क्वेश्चन साजिद सर आपसे ये था कि आजकल बहुत सी रीमेक मूवीज चल रही हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गजनी मूवी को क्या गुजराती में बना सकते हैं हमारे लिए? गजनी मूवी को मैं गुजराती में बनाऊं? हाँ, तो कैसा उसका टाइटल कैसे होगा? गजनी को माको रोको। गजनी को गुजराती में बनाए तो आमिर खान गाना कौन सा गाएगा? कौन छू मने खबर नथी, मारा डैडी कौन छे, मारी मम्मी कौन छे, यही गाएगा। एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक आमिर को ये रास्ता अच्छा लगेगा। अच्छा लगे? मुझे लगता है अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आमिर सर को अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। प्रॉब्लम ये है कि मैं इतनी देर से स्टेज पे खड़ा हूं, मैंने लाइफ में कभी बिना ब्रेक के काम नहीं किया है। इस वक्त मुझे जेन्युइनली प्लीज प्लीज, अरे साजिद, ए साजिद, साजिद, हाय हाय, ये साजिद कहाँ चला गया? मम्मी जी, मुझे लगता है मौका देखकर खिसक गया होगा। इतना परेशान लग रहे हो, मेरी वाइफ ने कोई नई खुशखबरी दे दी क्या? लाल, मोया कहीं का? अरे बड़े मुश्किल से आज के शो के लिए साजिद को होस्ट बनाया था, वो भी भाग गया। मम्मी जी, हमें किसी भी तरह बिट्टू को वापस लाना होगा, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। फोन तो उधर पड़ा हुआ है। हाँ, पर फोन में तो बैलेंस नहीं है ना। मेरे छत पर जाऊंगी, जोर जोर से चिल्लाऊंगी, बचाओ बचाओ, पुलिस पुलिस, तो थोड़ा माहौल भी बनेगा, यू नो। जा मेरी बच्ची, जा। हे भगवान,
ऐसी मुश्किल घड़ी से हमें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा हमें? आप कौन? आपकी तारीफ जान सकता हूँ मैं? सी आई डी जया. वेयर इज गया? कुछ तो गड़बड़ है. शिट यार, यहाँ तो दरवाजे तोड़ने को भी नहीं मिला. गया, कहाँ थे तुम? सर, आपने मुझे फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए भेजा था. हाँ, तो लेकर आए हो? जी सर, ये लीजिए. कुछ तो गड़बड़ है. अरे ओ, गड़बड़ तो होगी ना. पैरों में पहनने वाले जुराबे हाथ में पहन के घूम रहा है, कल अपना कच्चा सर पे पहन के घूमेगा, फिर कहता है कुछ तो गड़बड़ है. कब तक हिलाता रहेगा? थकता नहीं है क्या? पहले ये बताइए, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? एक्चुअली इंडिया में क्राइम कम है और हमारे एपिसोड ज्यादा हैं, इसलिए हम घर घर जाके केस ढूंढते हैं. कई बार शूट के लिए हम खुद भी जुर्म कर लेते हैं. ग्लैमर, तुम अपना मुंह मत खोलो. ये कैसा ग्लैमर है भाई? ए, हमारी आंखों से देखो, ग्लैमर तो बहुत है. सर, इस आदमी की नजरें बहुत खराब है सर. अरे, तुम्हारे लिए अपना करेक्टर चेंज कर दें क्या? सर, मैं जा रही हूँ. सर, मैं जा रही हूँ. रुक जाओ, जहाँ ग्लैमर नहीं वहाँ हम भी नहीं. अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हो? रुकिए रुकिए, मैं क्या कह रही थी, आप लोग कहाँ जा रहे हो? इसकी बातों का बुरा मत मानिए. आप आइए, इधर आइए. देखिए, आप लोग ऐसे मत जाइए. मेरी बहू और मेरी पिंकी है ना, तुम लोगों के लिए नाश्ते ले आएगी. अरे कहाँ हो? आ रही हूँ. गो, गया, चेकर. कुछ तो गड़बड़ है. कुछ कुछ होता है प्रभु, तुम नहीं समझोगे. लो, तुम सिर्फ नाश्ता करो. ये तिकोना तिकोना क्या है जिसके अंदर आलू भी है? ये समोसा. अगर समोसा है तो ये साथ में चटनी होगी. हाँ, समझ गए, चटनी आती है, पटाखे नहीं आते. काम खा भी लाइने बढ़ा रहे थे यार. खराब ही है. कुछ तो गड़बड़ है. मैं क्या कह रही थी, मेरा पोता गायब है, भगवान के लिए उसे ढूंढ निकालो. सुनिए, मेरा भतीजा गायब हो गया है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है. प्लीज हमारे दामाद को ढूंढ निकालो. सुना गया, सुना, पोता भतीजा दामा, तीन तीन लोग एक साथ गायब हैं. कुछ बात समझ में आई गया? सर, अगर सब कुछ गया को पूछना था तो मुझे क्यों साथ ले जाते हो सर? तुम्हें तो हम ग्लैमर के लिए साथ में लेकर आते हैं. आओ जया, कुछ ग्लैमर हो जाए. तू हिलाना बंद कर भाई. जो काम के लिए आया वो कर. मेरे पोते को बचा लो प्लीज. तो मिस डॉली, बताइए कि गायब होने से पहले बिट्टू शर्मा ने क्या खाया था? कड़ी चावल. हाँ. हमें भी भूख लगी है, हमें भी खिलाओ. अभी बकरी खा ली, आपको सुबह मिलेंगे. हाँ, मेरा भतीजा नहीं मिल रहा आपको? कड़ी
कढ़ी चावल की पड़ी है। आए, आए, मुझे कढ़ी चावल नहीं मिल रहा है, आपको भतीजे की पड़ी है। कुछ तो गड़बड़ है। वैसे आप चिंता मत कीजिए, आपका भतीजा मिल जाएगा। हाँ? संडे का इंतजार कीजिए, हर संडे रात 10 बजे वो कलर्स चैनल पर आता है। अरे मुझे लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे। सीरियसली, केस तो हम सॉल्व करके रहेंगे, पहले आप हमारी फीस दे दीजिए। हैं? फीस कितने? 5,100 रुपए, वो भी कैश, हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है। 2100 तो गुंडे मांग रहे थे। हाँ तो 2100 देकर छुड़ा कर लाएंगे, अब बाकी 3,000 तो बचे। उसके नीचे हमें परवड़ता नहीं है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं यार? बाहर बाहर वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है और आप यहाँ खड़े हैं। सर बाहर कोई लाश नहीं है। नहीं नहीं, ये चाकू है, जब ये लगेगा तो बाहर तो लाश पड़ेगी ना। फिर इसका मतलब समझे गया? नहीं सर। भाग साले! हाय मम्मी जी, मम्मी जी, गया गया। अरे जाने दे उसे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? मम्मी जी मैं बताती हूँ, देखो बिट्टू को तो ढूंढने में टाइम लगेगा, तो हम साजिद को ढूंढ लेते हैं, वो यहीं कहीं होगा। पर वो गया का साजिद? साजिद? ओए साजिद, हेलो डार्लिंग। इतने सारे कमरे, इतने सारे सदस्य और एक टॉयलेट नहीं इस पूरे घर में। मैं कौन से कमरे में जाऊं, कहां जाऊं? इस घर में कोई टॉयलेट है क्या? जैसा कि आप देख रही, मेरी हालत बहुत खराब है। इस घर में टॉयलेट है क्या? आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है कि खूबसूरत सी लड़की आपके सामने खड़ी है, उसका नाम पूछने की जगह आप उससे पूछते हैं कि टॉयलेट कहाँ है? अरे आपका नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, पलक। How sweet of you, आपको पता है मेरा नाम क्या है, तो फिर आप टॉयलेट क्यों? यानी कि आप टॉयलेट की दीवार पर जाकर लिखना चाहते हैं आई लव यू पलक। मैं वो भी लिखने को तैयार हूं अगर मुझे टॉयलेट मिल जाए। टॉयलेट का है? अरे कमाल कर रहे हैं आप। आप कहाँ खड़े हैं बताएं आपको? कहाँ? ये जगह एक सुलभ शौचालय तो हुआ करती थी। बिट्टू शर्मा ने जबरदस्ती जमीन पे कब्जा करके यहाँ पर अपना घर बना लिया। उनके बेड के नीचे कभी कभी अभी भी फ्लश की आवाजें आती हैं। देखिए आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपके कमरे से बड़ा आपके कमरे में टॉयलेट होगा। क्या मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? साजिद खान जी, क्या हुआ? ऐसी अश्लील बात करते हुए आपको शर्म नहीं आई? एक खूबसूरत लड़की ने आपसे चार मीठी बातें क्या कर लिया, आप सीधा उसके टॉयलेट तक ही पहुंच गए। I'm sorry, लेकिन मेरी मम्मी ऐसी चीजें अलाउ नहीं करती। क्यों? और भी लोग आते थे आपकी मम्मी को पूछने के टॉयलेट कहाँ है? हमारे घर पे लड़कों का आना अलाउड नहीं है, ओके? फिर भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमारा घर है वहां पर ये वाली जो विंडो आपको दिखाई दे रही है ये एक्चुअली टॉयलेट है। अगर आप वहां पर खड़े होकर निशाना लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। आई एम नॉट वॉचिंग। Otherwise, you can talk to my hand, okay? Bye. क्या घर है यार? यार मेरे पेट में कब से गुड़गुड़ी हो रही है यार, घर में टॉयलेट नहीं है, पेट में मेरे बैंगिस्तान हो रहा है। यार बैंगिस्तान से मुझे याद आया, उस फिल्म में दो हीरोज हैं, तो अब मिलिए अब बैंगिस्तान के पहले हीरो से, मेरा छोटा भाई, मेरा चहीता भाई रितेश देशमुख से। साजिद, मैं यहाँ पे हूँ। एक सेकंड, मेरे छोटे भाई जी, तू अपनी छोटी बहनों के बीच में क्यों बैठा है? बहने? अभी तू शादीशुदा हो गया, अब इस हर लड़की तेरे लिए जिनीजा को छोड़ के बहन है।
अच्छा एक काम करते हैं, एक आप शर्मा मत, आप लोग रितेश की बहनें बनना चाहेंगी? ना यार, अब ऑटोमेटिकली वो तेरी बहनों से मेरी बहनें हो गई। मैं एक चीज कन्फेस करना चाहता हूँ, रितेश को मैं अपना छोटा भाई आज से नहीं बहुत सालों से मानता हूँ। जब से ये एक्टर नहीं था तब से हम दोनों का एक ऐसा गहरा रिश्ता है कि जेन्युइनली हम दोनों एक दूसरे की लाइंस कंप्लीट कर सकते हैं, इतना टाइम हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आज की डेट में अगर सक्सेस रेशियो पकड़ा जाए पिछली 7-8 फिल्मों का, तो रितेश देशमुख के टक्कर में शायद कोई नहीं। ये बात है। लेकिन एक सेकंड, अब मैं कुछ लिखी पढ़ी लाया था यार, कपिल का शो कर रहा हूं मैं यार। तू घबरा मत, मैं यहां 3 बार आ चुका हूं। हाँ, और तू भूल गया कि 2 बार मैं भी तेरे साथ आया था यार। हंसी के घर में हंसी बिखेरने एक जिंदा दिल नौजवान आया है। क्या बात, क्या बात है। कभी कॉमेडियन तो कभी विलेन बनकर ये हमारा मेहमान आया। आज की शाम को, आज की हसीन शाम को और हसीन करने रितेश हमारे घर लेकर बैंगिस्तान आया। बैंगिस्तान से बात चली रितेश, तो ये बैंगिस्तान क्या है? ये मतलब क्या है, कोई जगह है, खाने की कोई चीज है? नहीं, एक देश है। लेकिन ये देश कहां पर है? क्योंकि अरे बहुत सिंपल है, क्या है? हाँ, हिंदुस्तान है मैप पर, करेक्ट। थोड़ा लेफ्ट लो तो पाकिस्तान है, करेक्ट। थोड़ा और लेफ्ट लो तो अफगानिस्तान है, करेक्ट। थोड़ा और लेफ्ट लो तो तुर्किस्तान है, करेक्ट। फिर थोड़ा और लेफ्ट लो तो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है ना? हाँ। कब्रिस्तान के ऊपर बैंगिस्तान। तुम्हारी हर पिक्चर लोगों को अक्सर अच्छी लगती है, एक दो छोड़ के। सॉरी, मिस्टेक से गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमारे पिछले 2 साल को साफ कर दीजिए। ओके, हमारी जनता को ये बताओ कि बैंगिस्तान है क्या फिल्म के अंदर? एक्चुअली इट्स अबाउट 2 गाइज, 2 लड़के हैं जिन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है टेररिस्ट बनने के लिए, और वो सुसाइड बॉम्बर बनने निकलते हैं। उनको कुछ पता नहीं होता क्या करना है, तो एक दूसरे के धर्म, यानी मैं एक मुस्लिम कैरेक्टर तो मैं हिंदू धर्म को अपना लेता हूँ, और जो हिंदू पुलकित है वो मुस्लिम धर्म को अपना लेता है, एंड दे लर्न अबाउट ईच अदर्स रिलीजन इन दैट प्रोसेस, एंड दे रियलाइज दैट इन द वर्ल्ड, दुनिया में हर धर्म हर मजहब सिर्फ एक ही बात करता है, वो है प्यार, भाईचारा, सद्भावना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो आपकी जो फिल्म है उसका जो मकसद है जी, वो ये है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया कौन भले को मन। वाह वाह, क्या। और अगर मैंने ये भी सुना है कि आपने कहीं ट्विटर पे डाला था कि ये फिल्म एक सोशल मैसेज है, और जो जो इस फिल्म की 4-4 टिकटें खरीदेगा पुलकित और रितेश उन्हें सोशल मसाज भी देंगे। क्योंकि ये जेंटलमैन जो यहाँ बैठे येलो टी शर्ट में, इन्होंने 20 टिकट खरीदी। किधर है, किधर है, इन्होंने किधर है, कौन है, कौन? ये येलो टी शर्ट में, प्लीज आइए, आइए 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 आइए, बात करें। 20 टिकट लिया आपने, क्या? बैठिए 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 बैठिए, 20 टिकट। थैंक यू बाबा, थैंक यू। 20 टिकट, वाह, मसाज अच्छा लगा? 5 रुपए का टिप तो बनता है। और शो के बाद भी अगर बुलाना चाहो तो हाजिर हो जाएंगे। थोड़ी देर पहले सिद्धू जी ने बोला कि हीरो हो या विलन, बात सच है,
हाल ही में जो आईफा अवार्ड्स हुए, बहुत कम लोग वहां पर वापस आए दो दो तीन तीन अवार्ड लेके, सबको एक एक अवार्ड मिला, लेकिन रितेश देशमुख ये साल पिछले साल के लिए बेस्ट हीरो का अवार्ड लेके आए और बेस्ट विलन का अवार्ड ले आए। ताली तो बजनी चाहिए। बेस्ट हीरो का अवार्ड इनकी खुद की प्रोड्यूस्ड अब तक की मराठी सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म लय भारी, और बेस्ट विलन फॉर एक विलन। यार लेकिन तू तो कॉमेडी इतनी अच्छी करता है, तो तुझे कॉमेडी के लिए अवार्ड क्यों नहीं मिला लास्ट ईयर? क्या है ना कि मैंने एक पिक्चर की थी लास्ट ईयर, हम शक्ल्स, और दिस इज टाड़ बजा दिया, दिस इज टू मच, विल यू शट अप, नो प्रॉब्लम, राइट एंड लेफ्ट। मुझे याद आ रहा है कि इससे दो साल पहले भी कॉमेडी के लिए अवार्ड नहीं मिला था तुझे, क्योंकि दो साल पहले हाउसफुल की थी। नाउ दिस इज द लिमिट, विल यू शट अप, नो प्रॉब्लम। आज से सात साल पहले भी तुझे, सात साल पहले मैंने हे बेबी की थी। Now this is the limit. Shut up! ठोक दिया भैया। मैं भूल गया। वैसे आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हाउसफुल 2 की शूटिंग के वक्त रितेश देशमुख ने एक सुपरस्टार डांसिंग स्टार ऑफ द 70s एंड 80s को उनका ही डांस करके सिखाया कैसे करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती साहब अपना स्टेप भूल गए थे और रितेश ने उनको सिखाया। नहीं, मेरे साथ तुमने भी सिखाया था। हाँ, बट तूने शुरू किया। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक स्टेप था जहां पर फिल्म का क्लाइमैक्स होता है और उसके बाद एक मिथुन, एवरीवन डिसाइड्स टू डू अ मिथुन दा स्टेप, और वो स्टेप सबको आया लेकिन मिथुन दा को नहीं आया। मिथुन दा खुद भूल गए थे। तो मिथुन का स्टेप भूल गए। ये कैसे करता है? ओए हाय, वो ऐसे ना, मतलब दादा वैसे नहीं, ऐसे करना है। एय एय, तो दिस इज व्हाट साजिद डिड एक्चुअली। देन 1 2 3 4 मौसम है गाने का, गाने का बजाने का, ये गाने है नाने का, सपना है नाने का, ये दिल ये दुनिया का, ये दीवानी का। नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड। डब्बू जी आपके बहुत खास दोस्त हैं, रणधीर कपूर साहब जी आपके भी दोस्त हैं, हमारे हमारे दोस्त, मेरे दोस्त आपके वजह से। तो रणधीर कपूर साहब ने लारा दत्ता को एक मुंहफट जवाब दिया था। वो जवाब क्या था, हम सब खाना खा रहे थे तो रणधीर कपूर साहब खाना खा रहे थे नॉन वेज, तो लारा ने उनको पूछा। नहीं नहीं, तो लारा ऑफ कोर्स वाज अ वेजिटेरियन और वो वेज खाना खा रही थी, तो डब्बू जी ने पूछा कि तुम वेज खा रही हो? तो लारा ने, यस डब्बू जी, आई एम वेजिटेरियन। व्हाई यू वेजिटेरियन? तो उन्होंने कहा, नहीं, आई एम वेज, आई लाइक वेज फूड। तो उन्होंने कहा कि, तो मैंने डब्बू जी से कहा कि डब्बू जी आपने कभी वेज खाया? आई लाइक, मैं एक दो दिन ऐसे कर लेता हूँ वेज फूड। नहीं नहीं, तो मैंने कहा जैसे मैं 40 दिन श्रावण रखता हूँ तो पूरा वेजिटेरियन खाता था, ऐसे कभी आपने किया है 40 दिन? चुप यार, गॉड इज नॉट माई डाइटिशियन। आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट वन लाइनर। एनीवेज, हाउसफुल 2 से बात चली तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाउसफुल 2 के टाइम पे हम सब खाना खाने गए, रात को निकले, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, जॉन इब्राहिम, चिंटू जी, ऋषि कपूर साहब, तो सिक्योरिटी हमको दी गई थी कि रस्ते के आप इस तरफ से चलो, क्योंकि कुछ हजार डेढ़ हजार हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बांग्लादेशी भाई वहां से हाथ हिला रहे थे और चिल्ला रहे थे, ए रितेश, ए जॉन, ए अक्षय, और हम लोग चलते आ रहे हैं, इनको इग्नोर करो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ए ऋषि, तेरे बाप की उम्र का हो बे? ऋषि कपूर जी बोलो। उसके बाद आप मानेंगे नहीं, हमारे सिक्योरिटी वाले भाग गए। ये तगड़ा था भैया।
रितेश और मैं हम पुरानी फिल्में अक्सर साथ में देखा करते हैं, उनकी नकल किया करते हैं। तो एक फिल्म आई थी धर्म संकट, जिसमें बहुत वॉलेटाइल सीन था सुनील दत्त साहब का, और सुनील दत्त साहब के साथ उसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। तो शत्रु जी एंट्री मारते हुए डायलॉग क्या बोलते हैं? जले को आग कहते हैं, बुझे को राख, और जिस राख से बारूद बनती है उसी को और फिर सुनील दत्त साहब बोलते हैं, चल के आते सुनील दत्त साहब। फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे मेरा बेटा राखी। बैंगिस्तान फिल्म में रितेश देशमुख के जोड़ीदार रेडी हैं यहां पर आने के लिए। इस फिल्म में तुम क्या बने हो, विलन, हीरो, कॉमेडी, क्या कर रहे हो? मैं इस फिल्म में काबिले तारीफ काम कर रहा हूँ। काबिले तारीफ, बिल्कुल। ओके। और रितेश जो हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। काबिले तारीफ सपोर्ट कर, काबिले तारीफ सपोर्ट कर रहे हैं। बट सीरियसली, अगर ये नहीं होते तो पहली बार तो फिल्म नहीं होती, बट इनकी वजह से मुझे इस फिल्म में कॉन्फिडेंस मिला और जितना भी काम किया इनकी वजह से किया। तुम लोग अच्छा, बॉलीवुड में पहले बहुत सारी फिल्में आई हैं, यंगिस्तान, अभी रिसेंटली आई थी फिल्मिस्तान, अब आपकी फिल्म आई बैंगिस्तान जी। तो मुझे एक बात पूछनी है कि अगर नॉर्मल हीरोज, दूसरे हीरोज में कुछ नाम लूंगा, अगर वो फिल्में करें तो उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से फिल्म का नाम क्या रखेंगे? फॉर एग्जांपल अजय देवगन, सिंघमिस्तान। ऋतिक रोशन, बैंग बैंगिस्तान। बैंग बैंग बैंगिस्तान। दीपिका पाडुकोन, क्या हूं क्या स्टार, लंबिस्तान। What would a film with Prem Chopra saab called? Taklistan. Okay. Jeetu ji. White Pantistan. Okay, keep it. Mithunda. असली बैंगिस्तान। जगुदा, जैकी श्रॉफ, जगुदा। बिडुस्तान, बिडुस्तान, बिडुस्तान। Well done, sir. Not bad, man. अच्छा पुलकित, तुम्हें मराठी आती नहीं है, समझ में आती थोड़ी थोड़ी, लेकिन बोलने नहीं आते। लेकिन बैंगिस्तान के सेट पे मैंने सुना है कि रितेश मराठी में तुमको बहुत सारे जोक्स बोलता था और तुम हंसते थे बिना समझे, तो आर यू श्योर कि वो जोक्स ही थे? नहीं नहीं, समझ में आते थे, बिकॉज जब रितेश बात करते हैं तो वो साथ में एनिमेशन भी करते हैं, तो नहीं, समझ, नहीं, नहीं। समझ में आता रहता है। मैं तुमको चैलेंज कर सकता हूं कि रितेश इस वक्त तुम्हारा मजाक भी उड़ा सकते हैं मराठी में, तुमको ऐसा लगेगा कि जोक सुना रहे। ट्राई करो। रियली? हेलो, हेलो, काय करणार रे, मी आई शपथ सांगतो रे, अरे अरे, चांगला चांगला, वेड्यांचा बाजार आहे इकडे। अरे कोई तो समझा दो यार। यू ओनली एक्सप्लेन मी ना। हेलो विकुन सर, याला तरी कळलं मला। माय बेस्ट फ्रेंड यार। उनके तुमको देखकर ना मुझे थोड़ा सा सलमान भाई याद आते हैं। आते मुझे नहीं, सबको, बट थोड़ा सा तुम भी सलमान की तरह इनसे बात करो, आमिर
सलमान को क्या बोले? अरे बाप रे। हाँ। This is interesting. सलमान और आमिर अगर चल के आए तो आके गले कैसे मिलेंगे? साजिद सर, दूध उबाल कर मैंने बकरी को पिला दिया है। हाँ। चाय पीने का मूड हो तो बकरी को चाय पत्ती खिला देना, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। घर छोड़ के तू जाएगा तो यहाँ पे लोगों को खाना कौन खिलाएगा? इधर देख। बस इसीलिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि साजिद साहब यहाँ पर आएंगे तो मुझे अपनी फिल्म में हीरो लेंगे। सिद्धू भाई, जब से ये यहाँ पर आए हैं मुझे कहते कभी नाश्ता लेकर आओ, कभी चाय लेकर आओ, कभी पानी लेकर आओ, ये कोई बात है? मैंने नहीं। ओए होए 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 होए, इधर तो बैंगिस्तान वाले आए हैं। ओहो वाह 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 वाह। हेलो रितेश सर। हेलो पुलकित सर। सर मेरी बात सुनिए, देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ, बस मैं, आप मेरे को कोई रोल दे दीजिए यहाँ पर। तेरा ये डेड एक्सप्रेशन देखे तुझे बैंगिस्तान नहीं जाना चाहिए, कब्रिस्तान जाना चाहिए। सर डायरेक्टर क्या हुआ? असली डायरेक्टर तो वही हुआ ना जो बहुत बुरे एक्टर से भी काम करवा ले। क्यों रितेश सर? करेक्ट करेक्ट, आपने तो इनके साथ काम किया ही है। नहीं मेरे कहने का मतलब बहुत अच्छे एक्टर है। हाँ ये बहुत अच्छे एक्टर है। प्लीज आप मुझे हीरो बना दीजिए, प्लीज आप बहुत अच्छा रोल दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तू अभी इतनी बात कर रहा है तो मैं तेरा एक ऑडिशन कर देता हूँ। ये अभी ना बात क्या करना, लेकिन 2 महीने तक पगार की बात मत करना। चलो मुंह से पगार तो निकला, कोई बात नहीं, पगार भी निकल आएगी। ठीक है ठीक है, तो रितेश पुलकित अगर आप लोग थोड़ा साथ दे तो इसका ऑडिशन जल्दी से कर ले। दीवार का एक सीन करें। शो वाइल नॉट। दीवार? हाँ दीवार। ये वो सीन है जहाँ पर शशि कपूर अमिताभ बच्चन से पुल के नीचे मिलने आता है। ओके। तो तुम शशि कपूर, ओके, तुम अमिताभ बच्चन। तो मैं क्या हूँ? अबे तू पुल है, पीछे आके खड़े हो। अबे खड़े हो जा ऐसे पुल बन के, चला जा। ये पुल बना रहे हो कि कुछ और बना रहे हो? आप आके खड़े हो जा, पुल बन जा। और याद रखना एक्टर एक्टर होता है। हाथ थोड़ा और ऊपर। हाँ ये ऐसे लग रहा मुझे फांसी हो रही है। नहीं नहीं नहीं, अबे खड़े रह सीधा। हाँ। शाबाश। तो अब ये पुल है, ये शशि कपूर चल के आया, ये अमिताभ बच्चन चल के आया। एंड 3, 2, 1 एक्शन। भाई भाई तुम साइन करते हो या नहीं? भाई 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 उफ, ये तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे उसूल क्या है तुम्हारे पास? कट 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 क्या हुआ? वाज़न्ट गुड? नहीं नहीं, इट वाज़ नाइस, यू वेरी नाइस सर। आई वाज़ हैविंग अ लॉट। पुल का प्रॉब्लम था यार थोड़ा। व्हाट? ये किस तरह का पुल है तू? अबे गटर की नाली के ऊपर खड़ा रहने वाला पुल नहीं चाहिए मुझे, फ्लाईओवर वाला पुल चाहिए। फ्लाईओवर वाला, सीधा खड़े रहे, सीधा खड़े रहे, हाथ बराबर उठा। ये रोल दे रहे हो, सजा दे रहे हो? अरे तू, तुझे करना है कि नहीं करना है? रेडी, वन मोर, सॉरी, रीटेक, रीटेक। टू ही पाडू। एंड 3, तो रितेश विल कंटिन्यू फ्रॉम योर डायलॉग। एंड 3, 2, 1 यार जल्दी जल्दी करो फटाफट। एंड एक्शन। उफ, ये तुम्हारे आदर्श, तुम, अरे क्या कर रहे तू? क्या हुआ? अब क्या किया मैंने, कर तो आप लोग रहे हो। ऐसे कैसे यार? एक मुझे बता, खड़े हो जा पुल की तरह, पुल की तरह खड़े। तो ऐसे खड़ा, मैं ऐसे खड़ा हूँ। तू पुल की तरह खड़े हो, पुल कित की तरह नहीं। अच्छा पुल कित। चलो सर चलो जल्दी, एक सेकंड जल्दी, एक सेकंड। तू पुल बना हुआ है क्या? श्रीदेवी नगीना वाला क्या कर रहा है तू? पुल बन यार। सर दाढ़ी वाली श्रीदेवी देखी कभी आपने? I'll explain, please, दूसरा मत। अब हाथ ऊपर कर लो ना बस।
ये दूसरा वाला भी से वैसे ये थोड़ा पाँव और थोड़ा सा और बस थ्री टू वन एक्शन। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, स्कूटर है। ओ माँ, इसके पास यार माँ, ओ माँ यार, अब मैं नहीं जाऊँ, मैंने नहीं करना काम, यार यार। अच्छा भाई, ये कमाल था यार, कमाल था ये। पुलकित भी हमारे साथ, रितेश भी हमारे साथ, आप लोग सब लोग एकदम बेचैन हो रहे होंगे इनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो बैंगिस्तान के दोनों हीरोज यहाँ पर खड़े हैं, जिसको जो सवाल पूछना है हाथ उठाइए और शुरू कर, हाँ शुरू करते हैं। रितेश सर, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपकी मूवी एक आई थी एक विलेन जी, एक बिरयानी, एक विलेन एक विलेन एक एक विलेन एक विलेन सर, आप उसमें विलेन में एक डेड बॉडी से आप बात करते हो। किसे? रेड बॉडी से? डेड बॉडी से, लास्ट से डेड बॉडी से तुम बात करते हो एक विलन में जी। सर वो मैं चाहता हूँ सर कि मैं डेड बॉडी बनूं कुछ देर के लिए और आप मुझसे बात करो। आजा आजा। वैसे एक बात पक्की है, ये रोल तुझे बड़ा सूट करेगा। एक बात, आप इसे फूंक मारिए, डेड बॉडी बनेगा। मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, यस सर, जो तेरी बॉडी का साइज है ना, ये अगर तुझे लगता है कि तेरा ये प्रॉब्लम है तो मैं तुझे बता दूं, ये मेरा एम्बिशन है। राइट सर। तो डेड बॉडी तो लेट जा, शाबाश, लेट जा, उठ जाना, कहीं लेटा ही रह गया, सांस मत ले ऐसे, अरे नहीं एक्सप्रेशन वहां देना, अरे नहीं चाकू चार बार मारा था, वो भी पेंसिल वाला, वहां देख, वहां देख, मुंह खोल के मारा। अबे जवान निकाल मार, क्या करना है सर? मैं डेड हूं ना, मैं क्या बोलूंगा, टेलीफोन वाला सीन किया था ना सर, वो डेड है तो बोल कहां से रहा है भाई? लुक एट मी रोमांटिकली, लुक दैट साइड। सिद्धू जी, ये पहली बार डेड बॉडी देखी जो अंगड़ाई लेके लेटी। अच्छा राजीव, लेट्स गो राजीव, थ्री टू वन एंड एक्शन। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। अबे मारना नहीं चाहता था। यू डिस्टर्बिंग माई परफॉर्मेंस, ये देखो ना एक्सप्रेशन बिल्कुल। और अगर आपको कुछ सूझे, मैं आपको एक सीन, ये माइक पकड़ो, कुछ सूझे तो बोल देना। एंड एक्शन। मरने से पहले तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मुझे जल्दी से मार दो सर। पागल कर दिए। और कोई सवाल पूछना चाहता है रितेश? हाँ, आपका गुड नेम सर? महेंद्र जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कॉपी टू ऑल। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है जी। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं सब एकदम डांस करने के लिए, खूब डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, तो आज मेरा भी दिल कर रहा है डांस करने का।
सर वंस मोर महेंद्र जी पहली बार हुआ है वंस मोर महेंद्र जी आपका नृत्य देख के मैं सिर्फ आपको दो शब्द कहना चाहता हूँ गुड बाय थैंक यू वेल डन सर बहुत अच्छा थैंक यू सो मच आइए वाह ऐसे आज तुम दोनों से बात करके बहुत मजा आया लेकिन मेरा एक और सवाल है रितेश से कि आप हो 100% फेथफुल इंसान हो राइट पुलकित आप इसकी गारंटी ले सकते हो करेक्ट तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि जो मेरा मित्र है वो इस युग का विश्व मित्र है और विश्वामित्र की तपस्या तो मेनका ने भंग कर दी थी लेकिन मेरे मित्र की तपस्या कोई भी मेनका भंग नहीं कर सकती मैं करूंगी भंग ये इको क्यों हो रहा प्रेमलता प्रेमलता ये क्या हो रहा है साजिद खान रितेश पुलकित ऑडियंस स्वर्ग की अप्सरा नरक की अप्सरा हो गया तेरा नहीं हो गया कैसा है पुलकित मेरा बच्चा एकदम बढ़िया हूँ जीता रहे और तू बताने की जरूरत नहीं है कैसा है तू मुझे पता है कैसा है तू शैतान कहीं का अच्छा घुटनों के दर्द की दवाई आगे मिलती है आप वहां जाइए माता जी नहीं तो पहले मैं तेरे घुटने तोड़ूंगी तभी तो तू जाएगी दवाई लेने के लिए और एक बात सुन ले अच्छी तरह से खबरदार जो मेरी रितेश की तरफ आंख भी उठा कर देखा तो आंख उठा के देखूंगी तो लाइट दिखेगी मुझे रितेश छोड़ दिखेंगे मैं तो ऐसे नीचे देखूंगी ना और एक बात बता दो रितेश मेरे हैं मैंने पहले रुमाल रखा है मेरे हैं कौन सा वाला रुमाल है ये और ये तो चिपक गया मैं रितेश को डेट पे लेके जाना चाहती हूँ कि मैं तो इसे पूरे हफ्ते के लिए ले जाना चाहती हूँ एक मिनट आप झगड़ा मत करिए क्या है कि मेरी जिंदगी भर का कैलेंडर ना जिनीला के पास है हाँ देखिए ईयर चेंज हो चुका है आपका कैलेंडर चेंज करने का टाइम आ गया है बिकॉज इतना हॉट कैलेंडर आपके सामने खड़ा हुआ है आप चेंज कर दो अपना कैलेंडर अच्छा अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो रितेश को कोई भी नहीं रिझा सकता ये वुमन प्रूफ है वुमन प्रूफ और अगर तुम इसे रिझाना ही चाहते हो तो अपने क्राफ्ट से रिझाओ रस से रिझाओ ओके रस से गन्ने के रस से काम चलेगा नो गन्ने का रस नहीं मैं बता दूं इनको वाकया रस से रिझाना होगा वाकया रस वो होता है जिसकी एक प्रेमिका प्रेमी को रोमांचित करती है मैं करती हूं नहीं मैं बताती हूँ कि वाक्य में मोहब्बत को कैसे डालते हाँ जी जस्ट लुक थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब प्यार से डर लगता है इनको थप्पड़ से डर नहीं लगता क्योंकि रोज ही थप्पड़ खाती रहती है ना तो इनके नीचे कांगे पड़ते ही रहते हैं कित एक मिनट आप खड़े हो जाइए मैं दिखाती हूँ श्रृंगार रस आप भी साजिद प्लीज एक मिनट खड़े हो जाइए
आप रुझ गए होंगे मेरे डांस से, है ना? आपने जो मेरी कान साफ की है उसके लिए शुक्रिया। अपने हाथ से वो सारा वैक्स निकाल दीजिए जो कान से निकला। ये तो प्रसाद है, प्रसाद। आप लेंगे थोड़ा सा खाएंगे? थैंक यू। रुक जाओ, अभी इतना देर रुके हुए हैं। बारी आई, सब लोग अपना जिगर थाम लो। म्यूजिक। जिगर होता किधर है? या सांसें भरी है। ये सांसें भर नहीं रही है, इनको दमे का प्रॉब्लम है। पंप निकालो, पंप पंप। देखना कहीं सारा ही पंप बाहर ना आ जाए। ये पंप पंप नहीं है, ये मदिरा का पौवा भरा होगा इसके अंदर। मैं कहती हूँ बहुत हो गया, अब ये इश्क विश्क, इस मोई को देखकर मेरे अंदर रस उग रहा है। कौन सा? ग्लैमरस? नहीं, वीर रस। वीर रस? अरे बाप, वीर रस यानी कि एक्शन। नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल होने नहीं दूंगा। तुम ये डंडा पकड़ो। नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं हो सकती यहाँ पे। बिल्कुल लड़ाई नहीं हो सकती है। तुम हंटर पकड़ो। हंटर पकड़ो, शाबाश। लड़ना मत, सेंटर स्टेज में आ जाओ। बिल्कुल लड़ना मत, बिल्कुल मत लड़ना। तुम तो डंडे से मारना ही मत। नहीं नहीं, मैं तो नहीं मारूंगी। इन दोनों में से अगर कोई भी जिंदा रहेगा, लड़ाई बुरी बात है, इसका हो जाएगा। रेडी? जागते रहो, मारते रहो। ये दिखाना इसमें क्या लगा हुआ है, ये देख। एक मिनट। मैं क्या बोलूं लड़ाई मेरी जैसे कोई बुड्ढा के जवान है। मैं एक क्या, आप गलत बंदे के लिए लड़ रहे हो। आपको अगर लड़ना है ना, किसी ऐसे बंदे के लिए लड़ो जो जो सिंगल हो, जो हैंडसम हो, ओके, जो सक्सेसफुल हो, ओके, जिसके पास लंबी गाड़ी हो, ओके, जिसके पास बड़ा घर हो, ओके, जो आपके आंखों के सामने हो। उधर देखो ना, आंखों के सामने साजिद खान। और दूसरी बात, जो तूने हमारी आंख खोल दी ना, उसके लिए तो थैंक यू बनता ही है। बिल्कुल। ये तेरा और ये तेरे छोटू रियान के लिए। ओके, खुश रहे। वाह वाह वाह, वो दरवाजे के पीछे साजिद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर रविवार रात 10 बजे ओनली ऑन कलर्स। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.